हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत बुधवार को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा के द्वारा गीरा थाने पर पुलिस चौपाल लगाया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि गीरा थाने पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 मामले आए थे। उन्होंने बताया कि कुछ मामले भूमि विवाद संबंधित तथा कुछ मकान से संबंधित थे तथा 2 मामले विवेचनाओं से संबंधित थे, जिसमें विवेचक को निर्देशित किया गया है कि 2 दिन के अंदर विवेचना खत्म किया जाए। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें क्षेत्र के नागरिक और ग्राम प्रधान भी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि नागरिकों से क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक और खुले में शराब पीने की शिकायत है, जिसको देखते हुए थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया तथा प्रधानों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई कि सरकारी काम करवाने में कुछ लोग बाधा बनते हैं। इस प्रकरण में भी नियम अनुसार राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, पीडब्ल्यूडी हो, जीडीए हो, सड़क बनवानी हो, इसमें समस्या यह समाधान तो राजस्व विभाग के बिना मुमकिन है नहीं, क्योंकि जमीन किसकी है इसी बात को लेकर मुख्य और तमाम ऐसे पद है जिस पर तमाम लोगों से हम लोग कहते भी हैं, राजनीतिक पदों से प्रमुख से तत्कालीन प्रमुख से विधायक से सबसे यही मिलता है। हम समझते हैं कि 2 साल बीतेगा वो नाली नहीं होगी। अगर आगे सीधा ताली खड़ा जाता है कि हम नाली नहीं बनेंगे, जो करना तो कर, तो प्रधान के पास कोई पावर तो है नहीं कि जो सी नाली पुलिस को सुझा देती है, पुलिस चाहती भी है, सब कुछ सहयोग करती है। गीड़ा थाने में आज पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया मेरे द्वारा, जहां पर कि 8 प्रकरण आए थे, जिसमें से कुछ प्रकरण भूमि विवाद के थे, कुछ मकान से विवाद से संबंधित थे, 2 प्रकरण ऐसे थे जो विवेचनाओं से संबंधित थे, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं और 2 दिन का समय दिया गया है उनके अनुपालन के लिए। साथ ही मीटिंग की गई जनप्रतिनिधियों की, जिसमें काफ़ी संख्या में प्रधान थे और क्षेत्र के नागरिक थे, और उनसे क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, ट्रैफिक की समस्या और एक खुले में शराब, कई सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की शराब पीने की शिकायतें प्राप्त हुई, तो इन दोनों पर काम किया जाएगा। और साथ ही प्रधानों ने कुछ शिकायतें ये भी बताई कि गांव में कुछ लोग विकास कार्य करवाने से रुकवाते हैं उनको, तो उसमें भी नियमानुसार राजस्व विभाग के साथ तालमेल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी।